यहाँ एक इच्छाधारी नागिन ने लिया पुनर्जन्म। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाली एक लड़की की, जिसे न सिर्फ अपने पुनर्जन्म की कहानी याद है, बल्कि उसे कुछ ऐसा भी याद है जिसे सुन आप दंग रह जाएंगे। इस लड़की का दावा है कि यह पिछले जन्म में एक इच्छाधारी नागिन थी। जी हाँ दोस्तों, हैरानी की बात है ना। आइए अब आपको इस लड़की से मिलाते हैं जो अपने बारे में ऐसा अविश्वसनीय दावा कर रही है। भोपाल के गुना जिले के मृगवास से 6 किलोमीटर दूर रहने वाली 19 साल की रचना अहिलवाल को लोग नागिन के नाम से जानते हैं। असल में रचना के अजीब बर्ताव के कारण उसके ससुराल वालों ने उसे मायके छोड़ दिया। इसका असल कारण यह है कि रचना अचानक नागिन जैसा बर्ताव करने लगती है और उसे उस वक्त संभालना मुश्किल हो जाता है। वहीं रचना भी यह बताती है कि वह नागिन है और उसका नाक पहाड़ी पर रहता है। रचना जब नागिन थी तो 20 साल पहले चरवाहों ने उसे मार दिया था और फिर उसके बाद उसे जला दिया था। अगर उसे जलाते नहीं तो उसका नाग उसे ले जाता, लेकिन उसका साथी नाग अभी भी जिंदा है। युवती के इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन उस युवती को देखने के लिए तमाशा हर रोज लगता है। उस युवती के पिता सुरेश अहिलवाल का कहना है कि वे अपने बेटी को सिर्फ ठीक देखना चाहते हैं, क्योंकि उसकी इस आदत से हम परेशान हैं। पता नहीं उसे क्या हो गया है, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। ससुराल वाले भी उस युवती से डरे हुए हैं, जिस कारण उसे मायके छोड़ गए हैं। आखिर उसे क्या समस्या है, अब तक समझ नहीं आ रहा है। कई मंदिर बाबाओं के पास लेकर गए, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। युवती स्कूल में पढ़ती है और किताबों में भी नाग नागिन आदि के चित्र बनाती है। कभी कभी तो ऐसे खंडहर उसने चित्र में बनाए जिस जगह सच में नाग नागिन पाए गए। युवती के इस विचित्र समस्या की वजह से अब कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा है। तांत्रिक भी अलग अलग उपाय बताते हैं, परंतु इसके बावजूद भी वह ठीक नहीं हो पा रही है। इस घटना के कारण नागिन के गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव वाले भी उसे नागिन मानने लगे हैं। हालांकि तांत्रिक ने उसके कहे अनुसार उसके शरीर से नागिन को निकालने का प्रयास भी किया, लेकिन उस हवा से कुछ फायदा नहीं हुआ। इस मामले में अधिकतर डॉक्टर और विशेषज्ञ बताते हैं कि रचना मानसिक बीमारी से ग्रसित है, उसे दवाओं और इलाज की जरूरत है।